पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्या यहाँ की स्थिति है, क्या आने वाले मतदान जिस दिन मतगणना होगी क्या स्थिति होगी मुजफ्फरनगर की, कौन बनेगा यहाँ का सांसद? सबसे इस चीज़ को जानने के लिए मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर के उन तमाम पत्रकार साथियों के बीच जिन्होंने यहाँ का नामांकन से लेकर मतदान तक का तमाम वो चुनाव देखा और जाना, बहुत बारीकी से जाना कि किस तरह से चुनाव हुआ है और किस तरह चुनाव बदला है। क्या लगता है आपको, क्या माहौल है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर, क्या हो सकता है? देखो ऐसा है, इस बार जो चुनाव हुआ है वो जातिगत आधार पर ज़्यादा हुआ। पिछली बार जो होते रहे चुनाव उसके अकॉर्डिंग इसकी बार जो है जातिगत आधार पर जो है समाज बटा है, लेकिन फिर भी मुख्य मुकाबलों में हमारे दो गठबंधन प्रत्याशी मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन इनकी हार जीत में जो बसपा से उम्मीदवार हैं हमारे दारा सिंह प्रजापति, वो अहम भूमिका निभाएंगे। शुरुआती दौर में जब चुनाव हुआ, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ, तो माना यह जा रहा था कि एक तरफा जीत होगी। फिर क्यों वो एक तरफा जीत, अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं वो एक तरफा जीत ऐसे के ऐसे ही थम गई? देखो उसके लिए भी जो है रालोद का गठबंधन हो गया, लेकिन उसको आम जनता ने, और जो मैं अगर ये कहूँ कि गठबंधन ने भी स्वीकार नहीं करा, ये बेमेल गठबंधन माना गया और इसको जो है मतदाता वोट में नहीं बदल पाए। कम इस बार जो वोट परसेंटेज है वो भी कम रहा है, उसका किसको फायदा हो सकता है? देखो मत प्रतिशत तो दोनों ही पक्षों का रहा है। बहरहाल मुस्लिम मतदाता भी ज़्यादा मत नहीं डाल पाया, और आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो अगर दो वोट हिंदू की हैं तो एक मुस्लिम की, तो उस हिसाब से भी यहाँ का चुनाव बड़ा पेचीदा है और बहुत कम से हार जीत मानी जा रही है। बेहद पेचीदा चुनाव है। मनीष जी, आपको क्या लगता है कि जो इस बार वोट परसेंटेज हुआ पहले के मुकाबले, तो वो किसके पक्ष में जाएगा? इसमें जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं उसे हानि होगी। उसका एक दूसरा पहलू जो नज़र आ रहा है, जैसे हमारा लोकसभा चुनाव है ये राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित होना चाहिए, लेकिन ये चुनाव कन्वर्ट हो गया स्थानीय मुद्दों पर या स्थानीय व्यक्तित्व को वो हुई, तो इसमें नुकसान सत्ता पक्ष को होगा, क्योंकि सत्ता की जो अब तक की सीटें हैं, जो आकलन रहा है वो उनका धर्म के आधार पर होता था, और ये चुनाव इस बार जो बदल गया है ये जातिगत आधार पर बदल गया। क्यों जातिगत विरोध हुआ? ये उसका कारण ये भी है, यहाँ की जनता को शायद कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, और जो अब तक के कैंडिडेट हैं जो लोकसभा चुनाव में उठे, उन्होंने ऊपर के उस पे स्तर पे अपने वर्चस्व को प्रभाव के आधार पे टिकट तो ले लिया, लेकिन जो यहाँ की धरातल स्थिति थी, जो रुझान था मतदाताओं का या होती, वो ऊपर तक नहीं गई, तो उसे मौन साइलेंट करके मतदान है ना, इसी वजह से वो मतदान कम रहा है। भूषण जी, मतदान अब हो चुका और जिस दिन नामांकन हुआ था उस दिन से लेकर के और मतदान होने तक अभी तक की स्थिति में कितनी बार चुनाव पलटा है, क्या स्थिति रही, कितने मोड़ लिए, कुछ थोड़ा विश्लेषण? चुनाव तो बहुत ज़बरदस्त हुआ है यहाँ पे, बहुत ही घस्सम घस्से का चुनाव कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा गया है, और चुनाव तो मजबूती से लड़ा गया है, लेकिन जो यहाँ के मतदाता हैं इस बार मतदाताओं में बहुत अरुचि दिखाई दी, वोट डालने नहीं गए लोग बाग और घर से नहीं निकले, काफ़ी धूप भी थी, इसका भी असर पड़ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों ने अरुचि दिखाई है, तो इसीलिए मतदान प्रतिशत कम भी हुआ है, और इसका नुकसान पार्टियों को तो रहेगा ही। अब देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ निकल के आएगी, क्योंकि फिर दोपहर तक तो जो बहुत कम परसेंटेज हुआ था वोलिंग, लेकिन जो दोपहर के बाद थोड़ा धूप कम हुई फिर परसेंटेज बढ़ा है, तो उसमें फिर और ज़्यादा ये संभावनाएँ बढ़ गई हैं कि और घस्सम घस्से का चुनाव हो गया, क्योंकि परसेंटेज कम था तो लग रहा था कि ये सत्ता पक्ष को नुकसान देगा, लेकिन जब परसेंटेज बढ़ा है दोपहर के बाद, अब वो किसके पक्ष में बढ़ा है वो देखने वाली बात होगी। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को बहुत हॉट सीट माना जाता है जी। क्या इस बार के जो दो चुनाव हुए उसके बाद अब तीसरा ही चुनाव है दंगों के बाद से, कुछ बदलाव? नहीं नहीं, इसमें दंगे का कोई असर नहीं पड़ा, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई दंगे का कोई नहीं है, साइलेंट चुनाव हुआ है, लोगों ने बताया भी नहीं कि कैसे चुनाव है, हम लोगों ने जाके देखा कि पोलिंग बूथ पर क्या स्थिति थी, तो हम उसी बात से अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई इन लोगों के कितने कम वोट पड़े हैं और उधर किस ज़्यादा पड़े हैं, तो उसी बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, किसे लाभ हुआ है, हालांकि ये तो पेटी खुलने के बाद ही पता लगेगा कि क्या स्थिति बनती है।
अमित जी, क्या मोदी और योगी मैजिक जो था वो समाप्त हो गया? बिल्कुल खत्म है इस बार नहीं है। मोदी योगी का मैजिक इस बार नहीं रहा है बिल्कुल भी। इस बार जैसे मेरे वरिष्ठ साथियों ने बताया कि जो है कि जातिवाद उस पर चुनाव हुआ है यह है, और ये चुनाव जो है इसमें जो फैसला जो करेंगे जो बसपा कैंडिडेट हैं दारा सिंह प्रजापति, वो जितनी वोट ले जाते हैं तो उससे नुकसान जो है वो भाजपा को होगा। नाराजगी अभी थी जातियों में, क्यों नाराजगी थी? विभिन्न विभिन्न बातों को लेकर अपनी अपनी व्यक्तिगत नाराजगियाँ थी। उसका खामियाजा जो है भाजपा को भी या अन्य दूसरी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। तो क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल जो है फंसा हुआ है, सीट फंस रही है, किलर नहीं कह सकते, हार जीत बहुत कम उससे होगी। आपका आंकलन? अगर दारा सिंह प्रजापति 1.5 लाख से ऊपर वोट ले जाते हैं तो भाजपा प्रत्याशी के जो है वो सीट फंस सकती है, अगर वो कम रहते हैं तो चांस बढ़ जाएंगे। तरुण जी, सभी पत्रकार साथियों ने अपना अपना अनुमान बताया, आपको क्या लगता है इस बार मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव में जो मतदान हुआ वो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है किधर जाते दिख रहा है चुनाव? देखिए, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट अपने आप में बहुत ही हॉट सीट है लोकसभा के लिए, और इस बार जो चुनाव हुआ वोटिंग परसेंटेज यहाँ बहुत कम हुआ है। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, और जो बढ़ा था उसमें भाजपा की जीत सामने आई थी निकल के, और इस बार जैसे वोटिंग परसेंटेज घटा है, हम भी वोटिंग वाले दिन जगह जगह घूमे तो मुस्लिम मतदाताओं ने तो जम के वोट किया है, लेकिन जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे उनमें वोटिंग परसेंटेज डाउन रहा, बूथ खाली पड़े रहे, तो उसका असर जो है वो भाजपा को पे पड़ेगा। वोटिंग परसेंटेज कम होने का असर भाजपा के लिए खतरा है, मेन चीज़ ये है। और इसमें जो है समीकरण ऐसे बने थे, बसपा से दारा सिंह प्रजापति थे तो प्रजापति समाज और अति पिछड़ा समाज कुछ डाइवर्ट हुआ है, और ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि वो भाजपा का वोट था। तो भाजपा का कोर वोट जो है भाजपा से छिटक गया? बिल्कुल छिटका है। हमारे वरिष्ठ साथियों ने भी बताया जाति आधार पर चुनाव हुआ है इस बार, तो वही चीज़ है, अगर हिंदू मुस्लिम चुनाव होता तो भाजपा के लिए फ़ायदा था, इस बार जातियाँ बट गई और उसका नुकसान भाजपा को है। और जो टक्कर है वो सपा के हरेंद्र मलिक और भाजपा के संजीव बालियान, इन्हीं के बीच में है, जीत हार बहुत कम मतों से होगी। तो निश्चित तौर पर मुजफ्फरनगर का चुनाव जातिगत आधार पर हुआ है, कई तरह की ऐसी चीज़ें देखने को मिली है जो पिछले दो लोकसभा चुनाव जब मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद से हुए तो वो पहली बार देखने को मिली है। अब देखना, ऐसे में देखना ये होगा कि मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान क्या तीसरी बार लाएंगे संजीवनी, या हरेंद्र मलिक होंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के मालिक, या फिर दारा सिंह प्रजापति जीत जाएंगे बाजी। विनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।